दोस्तों, वाटर हीटर का यूज़ अधिकतर घरों में पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है, लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि आखिरकार इस वाटर हीटर यानी गीज़र को फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर फैक्ट्री में इन गीज़र को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, गीज़र को बनाने के लिए सबसे पहले इसके मेन पार्ट यानी आउटर बॉडी को बनाया जाता है, जिसे बनाने के लिए मेटल शीट का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले इस मेटल शीट को रोलिंग मशीन से गुजार कर इसे सिलेंडर का शेप दिया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में अब वाटर टैंक को बनाया जाता है, जिसमें गर्म पानी इकट्ठा होता है, जिसके लिए एक गोल प्लेट को हाइड्रोलिक द्वारा पंच किया जाता है, जिससे आधे कटोरे नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब आगे इन दो कटोरों को आपस में वेल्ड करके वाटर टैंक तैयार कर लिया जाता है। अब अगली प्रोसेसिंग में इस वाटर टैंक के लीकेज की जांच की जाती है, जिसे हाई वाटर प्रेशर टेक्नोलॉजी द्वारा जांचा जाता है। अगली प्रोसेस में इन टैंक्स को शॉर्ट ब्लास्टिंग प्रोसेस द्वारा गुजारा जाता है, जिससे इस टैंक में उपस्थित सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। इस प्रोसेस के बाद इसमें ड्राई कोटिंग की जाती है, जिससे यह गीजर अधिक सालों तक चल सके, यानी इसकी बॉडी को कोई नुकसान ना हो। अब इन वाटर टैंक्स को 850 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, ताकि इसमें उपस्थित वाटर कोटिंग अच्छी तरीके से चिपक जाए। अगली प्रोसेस में इन वाटर टैंक्स की कोटिंग को सुखाने के लिए लगभग इन्हें 48 ओवर तक ठंडे टेम्परेचर में रखा जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन टैंक्स को आउटर बॉडी के साथ अटैच करके इसमें हीटिंग एलिमेंट्स, टेम्परेचर कंट्रोलर और इनलेट व आउटलेट पाइप को भी असेंबल किया जाता है। इसी के साथ टैंक और आउटर बॉडी के बीच इंसुलेटर एजेंट को भी लगाया जाता है, जिससे इसकी हीट बाहर नहीं आती है और पानी ज्यादा देर तक गर्म रहता है। अब आगे इस वाटर टैंक की अच्छी तरीके से टेस्टिंग की जाती है। इस टेस्टिंग से पास होने के बाद अब इन वाटर हीटर को पैक कर सेलिंग के लिए फैक्ट्री से रवाना कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं गीजर। जब कोई नया स्मार्टफोन बाजार में पेश किया जाता है, तो हम उसे खरीदने के लिए महीनों इंतजार करते हैं और फिर अंत में इसे प्राप्त करना आपको एक शानदार एहसास देता है। और इसी बीच हम रोमांचक रूप से सभी नई सुविधाओं का उपयोग करते हैं, और यही नहीं बल्कि हम अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच अपने नए फ़ोन को भी दिखाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह नया और बढ़िया मोबाइल वास्तव में फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता होगा? शायद नहीं सोचा होगा। तो चलिए, आज हम आपको बताएंगे फैक्ट्री में मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। एक नया स्मार्टफोन बनाने की प्रोसेस कठिन लेकिन बड़ी ही दिलचस्प होती है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले कंपनी पिछले मॉडल की कमियों को देखती है, उपभोक्ताओं से फीडबैक लेती है और फिर एक न्यू स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देती है। स्मार्टफोन के निर्माण की प्रक्रिया से पहले आपको फ़ोन में फिट होने वाले विभिन्न घटकों को बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के बारे में जानना आवश्यक है, यानी मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करने में उपयोग होने वाली कच्ची सामग्री। एग्जाम्पल के लिए, इसकी बाहरी कोटिंग यानी फ्रेम को आमतौर पर कठोर प्लास्टिक या पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है, जो किसी भी टेम्परेचर पर एक जैसे स्टेबल रहते हैं। जनरली स्मार्टफोन की स्क्रीन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्निक से बनी होती है, जिसे पिघलाकर पतली चादरों जैसे क्रिस्टल से बनाया जाता है। अब आते हैं मोबाइल की बैटरी पर, जो कि आमतौर पर लिथियम आयन या नी एमएस से बनी होती है।
जिसमें कॉपर, निकल, लिथियम, जिंक आदि तत्व प्रेजेंट होते हैं। अब बारी आती है इसके निर्माण की। सबसे पहले डिजाइनरों और कंपनी के सदस्यों द्वारा फोन की साइज, डिजाइन आदि को लुक दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद मोबाइल के प्रोटोटाइप को बनाया जाता है। अब इस मोबाइल के प्रोसेसर और मेमोरी को बनाया जाता है, जिन्हें फिर इस प्रोटोटाइप पर फिट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद अब एक स्मार्टफोन में रियर कैमरों, बैटरी, डिस्प्ले स्क्रीन, टचपैड, फिंगरप्रिंट आदि फीचर को असेंबल किया जाता है। यह प्रोसेस होने के बाद इसमें हार्डवेयर को फिट किया जाता है। अब सॉफ्टवेयर टीम पूर्व निर्धारित ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करके सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करती है। इस प्रोसेस के बाद सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्थापित होने के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए फ़ोन का कई बार परीक्षण किया जाता है कि क्या यह बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार है। जब यह बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार होता है, तब इस फोन का बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर यह मोबाइल बन जाने के बाद इन्हें शिपमेंट के लिए पैक कर दिया जाता है। फिर इन बॉक्सों को विभिन्न देशों और बाजारों में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी द्वारा प्लास्टिक को पिघलाकर हेलमेट का शेप तैयार किया जाता है, जिन्हें कुछ ट्रिमर मशीनों और हाथों से सही चिकना शेप दे दिया जाता है। एक हेलमेट को 3 लेयर से बनाया जाता है, जिसमें सबसे ऊपर वाली लेयर प्लास्टिक की होती है, जो एकदम बनकर तैयार है। अब बारी आती है सेकंड लेयर की, जो कि सिंपली कार्बन फाइबर से बनी होती हैं, जो कि बहुत मजबूत होती हैं। इसे भी ठीक पहली लेयर की तरह ही शेप दिया जाता है, ताकि यह प्लास्टिक के हेलमेट में फिट हो सके। अगली प्रोसेसिंग में इस फाइबर वाली सेकंड लेयर पर कलर की व्हाइट कोटिंग कर इसे प्लास्टिक वाली फर्स्ट हेलमेट लेयर से अटैच कर दिया जाता है, जो अब एकदम हेलमेट जैसा दिखता है। अगली प्रोसेसिंग में इन हेलमेट्स पर डिफरेंट कलर को असेंबल करके इन पर कंपनी के ब्रांड लोगो और डिजाइनिंग स्टिकर को हाथ से लगाया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद अब एक अलग फैक्ट्री स्टेशन पर इस हेलमेट की थर्ड लेयर यानी फोम और सेफ्टी बैंडेज को तैयार किया जाता है, जिन्हें जनरली प्रोफेशनल वर्कर्स द्वारा हाथों से तैयार किया जाता है। इसी के साथ साथ इस हेलमेट के आगे लगने वाले सेफ्टी ग्लास को भी तैयार कर लिया जाता है। अब इन सभी सेफ्टी प्रोडक्ट को एक एक करके वर्कर्स द्वारा हाथों से असेंबल किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन सभी हेलमेट्स को एक बार और राउटर मशीन द्वारा स्मूथनेस दी जाती हैं। अब इन सभी हेलमेट्स को बारी बारी से क्वालिटी कंट्रोल रूम में भेजा जाता है, जहां रोबोटिक मशीन से द्वारा इनके एक एक पार्ट्स की जांच की जाती है। इन सभी प्रोसेसिंग के पूरा होने के बाद इन्हें पैक करके सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस तरह फैक्ट्री में हेलमेट्स को बनाया जाता है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।